हेलो फ्रेंड्स, यू आर अगेन वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल द स्टडी विद केमिस्ट्री। टुडे आई विल सी द पार्ट टू ऑफ सॉल्ट। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने दो सॉल्ट के बारे में देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो उसी लेक्चर को आगे की तरफ ले जाते हुए आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट पार्ट टू। इस पार्ट टू में हम बेसिकली तीन सॉल्ट की बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा हमारी कुकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ऐसी बहुत सी रेसिपी है जिसमें कि बेकिंग सोडा का यूज होता है। ओके, तो बेकिंग सोडा को हम नॉर्मली जो अपने घरों में जानते हैं सोडा के नाम से फेमस है, तो लेकिन एक्चुअली कोई इसे बेकिंग सोडा नहीं कहता। ओके, तो जो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3 होता है। ओके, अभी होता है क्या, आइए इसको देखते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को एक अनदर नेम सोडियम बाइकार्बोनेट से भी हम जानते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा आर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा इज ए केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला ऑफ NaHCO3। ओके, इट इज सॉल्ट कंपोस्ट ऑफ सोडियम केटायन एंड ए बाइकार्बोनेट एनायन। अब यहाँ केटायन और एनायन दो वर्ड आ रहा है, यानी कि जब भी किसी सॉल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, जैसे मान लेते हैं कि NaCl, ठीक है, सपोज, तो इस जब ये ब्रेक होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस सोडियम को हम बोलेंगे सोडियम केटायन और इस क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरीन एनायन या क्लोराइड। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए वाइट सॉलिड डेट इज क्रिस्टलाइन बट ऑफेन अपीयर एज ए फाइन पाउडर, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है लेकिन हमेशा हमें पाउडर के फॉर्मेट में ही मिलता है। ओके, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि बेकिंग सोडा क्या होता है। अब हम बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन को देखेंगे। ओके, तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए एक सिंगल स्टेप का ही रिएक्शन लेते हैं। फिर सोडियम क्लोराइड इज रिएक्ट विथ अमोनिया एंड CO2 एंड वाटर टू फॉर्म सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, एंड अमोनिया क्लोराइड जो होता है यह बाई प्रोडक्ट के फॉर्मेट में फॉर्म होता है। ओके, अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ओके, तो ये नॉन इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि जलने में ना ही योग कोऑपरेट करता है ना ही जलता है। ओके, पाउडर डस्ट इज नॉट एक्सप्लोसिव, यानी कि इसका जो पाउडर होगा एक्सप्लोसिव नहीं होता। इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यानी कि इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यानी कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर जाता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज़ ऑर्डरलेस। ओके, यह बेसिक, दिस इज ए बेसिक नेचर, यानी कि यह जो बेकिंग सोडा होता है बेसिक नेचर होता है, और जब हम इसे हीट करते हैं, यानी जब इसे हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बेकिंग सोडा की जो प्रॉपर्टीज कैसे होती है। ओके, अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा का यूज। बेकिंग सोडा का यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माउथ वॉश में यूज करते हैं, डिओड्रेंट बनाने में, एयर फ्रेशनर, किचन क्लीनर, मल्टीपर्पज़ बाथरूम क्लीनर, जो जिसे हम फेक नेम से यूज जानते हैं हार्पिक, हार्पिक में ही बेकिंग सोडा यूज होता है। क्लीन फ्रूट एंड वेजिस यानी वेजिटेबल को करते हैं, रिड्यूस द एसिडिटी इन द स्टोमच, जो इनो का नाम आपने सुना होगा, एक्ट एज ए एंटा एसिड विच इज यूज टू ट्रीट स्टोमक अपसेट इन द इंडिजेशन। ओके, जो इनो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जब हम किसी पार्टी में ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शोपी फॉर्म इट यूज इन द फायर एग्जीक्यूशन, जो बहुत से इंस्टीट्यूट में या आपके घरों में जो फायर एग्जीक्यूशन होते हैं वहाँ भी हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, तो रिमूव द डर्ट मटेरियल विदाउट डैमेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि यह जब किसी ऑब्जेक्ट में मान लो कोई डस्ट लग जाए तो बेकिंग सोडा हम इसे पॉलिश कर देते हैं या वॉश कर देते हैं तो ये क्लीन हो जाता है। ओके, यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज एज ए कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि CO2 के प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। इट इज़ यूज इन द ईयर ड्रॉप, यानी ईयर ड्रॉप में जो दवाइयाँ होती हैं उसमें यूज करते हैं, उस कॉस्मेटिक में भी यूज करते हैं। एंड इसका कुछ यूज, इट इज़ यूज इन न्यूट्रलाइजेशन और टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, या कुछ एसिड के इम्पैक्ट को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि बेकिंग सोडा का हम किन किन जगहों पे यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा।
बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का नाम तो काफ़ी सिमिलर लग रहा है, लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है अलग होती है। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O होता है, यानी कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल को अपने अराउंड वो बॉन्ड किए रहता है। ओके, अब ये वॉशिंग सोडा होता है क्या, ऐसे देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज ए केमिकल कंपाउंड डैट कैन बी यूज टू रिमूव स्टबर्न स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री एंड इट इसेंशियल कंपोनेंट इन मोस्ट होममेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर पाउडर लिक्विड आर सिंगल पोर्ट फॉर्मूलाज। इट इज़ ऑफन यूज इन द कॉमर्शियल डिटर्जेंट मिक्सचर एज वेल एज टू ट्रीट वाटर हार्ड वाटर। यानी कि वॉशिंग सोडा का बेसिक अगर वन लाइन में क्लियर किया जाए, जो डिटर्जेंट होते हैं जैसे कि आप यूज़ करते हैं घरों में, टाइड हुआ, सर्फ एक्सेल हुआ, या फिर घड़ी हुए, मतलब बहुत से प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो बेसिक यूज होता है डेली लाइफ में, हम कपड़ों को क्लोथ करने में करते हैं। ओके, द केमिकल फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा इज Na2CO3। ओके, जो फार्मूला होगा Na2CO3 होगा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, और ये कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट होता है। इट इज सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड केमिकल डेट प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनेट। ओके, यानी कि यह जो सबस्टांस होता है एक तरीके का, जैसे केमिकल डेट कम प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट, या जो केमिकल होता है कई सॉल्टों को प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं कार्बोनेट, यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट भी कहते हैं। ओके, द सोडियम कार्बोनेट्स ऑब्टेन वाटर हेल्पिंग अदर क्लीनिंग इंग्रेडिएंट लिफ्ट सॉइल फ्रॉम द फैब्रिक एंड सस्पेंड इन द सॉइल इन द फ्रेश वाटर वॉश वाटर। यानी कि जब वाटर की क्लीनिंग में भी इसका हम यूज़ करते हैं, द वॉशिंग सोडा बाइंड द मिनरल विच इज मेक वाटर एंड हार्ड एंड अलाउ टू डिटर्जेंट टू बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द फाइबर्स प्रॉपरली टू क्लीन क्लोथ। यानी कि जो बेसिकली जो हार्ड वाटर होते हैं, हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट काम आते हैं, जबकि जो सोप होते हैं वह केवल सॉफ्ट वाटर में काम आते हैं। तो हार्ड वाटर के केस में हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। जो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है Na2CO3 10H2 होता है। इस तरीके से हमने देखा कि वॉशिंग सोडा क्या होते हैं और इसका प्रॉपरली कहाँ हम इसे अप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसको प्रिपरेशन, यानी कि जो वॉशिंग सोडा को बनाने के काफ़ी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन मतलब काफ़ी स्टेप लिए जाते हैं। ठीक, जैसे हम एक सॉल्वेंट प्रोसेस में के थ्रू इसका प्रिपरेशन करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हम पहले ब्राइन को प्योरीफाई करेंगे, यानी कंसनट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम ब्राइन करते हैं। ओके, कंसनट्रेट ब्राइन इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड इम्प्योरिटीज लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम एट्सेट्रा आर द रिमूव्ड बाय द प्रिसिपिटेशन प्रोसेस। ओके, द कंसनट्रेट ब्राइन सोल्यूशन अंडरगो द फिल्ट्रेशन एंड इज मिक्सड विथ अमोनिया इन द अमोनिया टावर। जो अमोनिया टावर एक तरीके का चैम्बर होता है, जब हम सॉल्वेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो यहाँ एक चैम्बर होता है, नहीं तो काफ़ी लोग इसे पावर्स को सोचेंगे कि ये बाई मिस्टेक हो गया होगा, नहीं, लेकिन नहीं, ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, टावर होगा। ठीक, एंड अमोनिया टावर गेट कूल्ड। ठीक, यानी फर्स्ट स्टेप में हम पहले अमोनिया जो ब्राइन को प्योरीफाई करेंगे और कूल कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्म करेंगे। ठीक, कैसे, अमोनिया को CO2 गैस, जो यहाँ से अमोनिया मिला होगा उस अमोनिया को CO2 गैस और सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, तो बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब हम सोडियम जो कार्बो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन करेंगे। ओके, NaSCO3 को जब हम हीट करेंगे, ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट CO2 वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब हम जो ये जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे वाटर मिक्स करेंगे, तो ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट कराने पे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है। इस तरीके से हमने सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन कर लिया। अब हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज़ वाइट इन कलर। ओके, इट इज़ ए एग्जिस्टेंट मोनोहाइड्रेट सॉल्ट। मोनोहाइड्रेट का मतलब होता है 1:2 हो, एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब जिसमें वाटर ना हो, एंड हेप्टाहाइड्रस मतलब कि 7:2 हो, एंड डेकाहाइड्रेट मतलब कि 10:2 फॉर्मेट होता है, या बेसिक ही नेचर होता है, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 851 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम इसे हीट करेंगे तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ओके, जैसे धीरे धीरे करके रिमूव होगा, पहले वन मॉलिक्यूल
जाएगा, टू जाएगा, थ्री जाएगा, फोर जाएगा, ऐसे करते सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे तो लास्ट में ये बचेगा। ये किस डिग्री टेम्परेचर पर होगा? 373 केल्विन टेम्परेचर पे हमें एनहाइड्रस फॉर्म हो जाता है। ओके, अब हम इसके कुछ यूज़ को देखेंगे कि वॉशिंग सोडा के क्या यूज होते हैं। तो पहला तो हाउस होल्ड में ही हो जाते हैं एंड फाइन एप्लीकेशन इन पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, सोप, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं एंड यूज इन प्रोसेस ऑफ सॉफ्टिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर को सॉफ्ट करने में यानी क्लीन करने में यूज़ करेंगे, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट जो यूज है लॉन्ड्रीज में हम इसका यूज करते हैं। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि वॉशिंग सोडा क्या होते हैं, प्रिपरेशन क्या है और साथ ही साथ इसके यूज़ को हमने देखा। अब हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है हमारे कुकिंग में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसे हम बेसिकली टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सोडियम क्लोराइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड इन विच द सोडियम एंड क्लोरीन आयंस आर इन द रेशियो ऑफ 1:1। ओके, इट्स कॉमनली कॉल्ड टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट और हेलाइट भी कहते हैं। द मिनरल फॉर्म ऑफ कायन ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि मिनरल इजली अवेलेबल हो जाते हैं इसलिए इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ओके, इट इज़ द सॉल्ट विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सलिनिटी ऑफ सी वाटर एंड फॉर द एक्सट्रैक्ट सर्कुलर फ्लूइड विच इज प्रजेंट इन मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट फाइंड इन द एप्लीकेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड सी वाटर इज ए मेजर सोर्स ऑफ दिस सॉल्ट, यानी कि सी वाटर के थ्रू भी हम इस सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वह NaCl होता है। ओके, अब हम देखेंगे इसको कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्म करेंगे। मोस्टली ऑल द केमिकल कंपाउंड विच इज कंसिस्ट ऑफ क्लोरीन और सोडियम इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द सॉल्ट, यानी मोस्टली जो कंपाउंड होते हैं सॉल्ट से डिराइव किए जाते हैं। ओके, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउंडली इन नेचर एंड सॉल्ट ए मेजर इन्ग्रेडियंट ऑफ दिस डिसॉल्व मटेरियल इन सी वाटर। तो मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। प्योर सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल हेलाइट, यानी हेलाइट को भी हम सोडियम क्लोराइड ही कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन बाय माइनिंग द डिपॉजिट एंड ब्राइन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय पासिंग वाटर इनटू द डिपॉजिट, हेंस द सॉल्ट गेट्स डिसॉल्व देन द सॉल्यूशन इज पम्प्ड आउट। ओके, यानी कि जो सोडियम्स होते हैं वह मिनरल के अंदर डिपॉजिट होते हैं तो जिसे कि हम माइनिंग के थ्रू बाहर लाते हैं और साथ ही साथ इसे वाटर पास कराते हैं तो फॉर्म कर जाता है। ओके, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इज वन ऑफ द मेजर प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन द सॉल्ट इज मोस्ट ओके वाइडली फॉलोड इन द कंट्रीज लाइक इंडिया, एंड इंडिया में जो मोस्टली सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है वो सी वाटर के सोर्स के थ्रू होता है। ओके, क्रिस्टल ऑब्टेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। ओके, यानी कि जो इसमें जब हम सी वाटर्स फॉर्म करते हैं तो इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती है लाइक कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग द सॉल्ट विद अ लिटिल वाटर एंड फिल्टरिंग द सोल्यूशन। उसके बाद जब सी वाटर से डायरेक्ट इसे ऑब्टेन कर लेते हैं तब हम इसके फिल्ट्रेशन को करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस कैसे करेंगे। अब हम इसके बेसिक जो केमिकल प्रोसेस है उसके थ्रू देखेंगे। सोडियम क्लोराइड को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पेन सोडियम मेटल इज रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ओके, इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का हम फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ओके, तो इट इज़ ईजिली सॉल्युबल इन वाटर एंड पार्शली सॉल्युबल इन आर इनसॉल्युबल इन अदर लिक्विड, यानी कि वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाएगा और अदर सॉल्वेंट में थोड़ा सा लेस होगा। दे आर वाइट क्रिस्टल वी डू नॉट हैव एन ऑर्डर बट प्रोसेस ए टेस्ट, यानी कि एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसका कलर वाइट होगा और इससे कोई स्मेल नहीं आएगी। इन इट्स एक्वस स्टेट NaCl एक्ट एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ आयन, यानी कि एक्वस मीडियम में इससे इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्ट करा सकते हैं। एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी 801 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा 1413 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस तरीके से हमने इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हमने देखा। अब हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड के यूज़ को। ओके,
सोडियम क्लोराइड के यूज तो बेसिक सभी लोगों को पता होगा, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं। इट वायरली यूज इन द फूड इंडस्ट्रीज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवर इन्हांसर, क्योंकि सॉल्ट मिलाने से जो फूड एक फूड प्रिजर्वेटिव हो जाता है, ताकि इसमें कुछ बैक्टीरिया ना आए और फ्लेवर भी आ जाता है। इन इट्स ए मेजर रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल्स, यानी कि बहुत से सब्सटेंसों को बनाने में भी इसका बाई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एट्सेट्रा। ओके, एंड दिस सॉल्ट यूज इन द ग्लास प्रोडक्शन, यानी कि इसका यूज़ हम ग्लास प्रोडक्शन में भी करेंगे, और साथ ही साथ कोल्डिंग्स कोल्ड कंट्रीज़ में भी हम आइस को मेल्ट कराने में करते हैं। प्रिवेंट द बिल्ड अप द आइस ऑन रोड, यानी जब रोडों पे आइस गिर जाते हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का भी यूज़ करते हैं। और ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड का हम यूज़ कितने तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि सॉल्ट को हम क्या क्या है और कैसे यूज़ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।